चारा घोटाले के जिन ने लालू यादव का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उन्हें जेल की चार दीवारी के पीछे पहुंचा ही दिया। पशुओं के चारे के नाम पर पैसों के इस बंदरबाट के दोषी लालू यादव सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब लालू प्रसाद यादव समेत कई हाई प्रोफाइल दोषियों का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर है। कोर्ट ने यह फैसला 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी से फर्जी ढंग से करीब 37 करोड़ रुपए निकालने के मामले में सुनाया है। 1996 में एफआईआर दर्ज होने के करीब 17 सालों बाद इस मामले में फैसला आया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद चाईबासा थाने में कांड संख्या 12/96 को जांच एजेंसी ने आरसी 20A/96 का नाम दिया था। जांच के बाद कुल 56 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। इसमें से 7 आरोपियों की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान सप्लायर पी के जायसवाल ने अपना आरोप कबूल कर लिया था और सजा काटने के दौरान ही जेल में ही उनकी मौत हो गई थी। आरोपी बनाए गए 5 आईएएस अधिकारियों में सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाईकोर्ट ने आरोप से बरी कर दिया था, जबकि 2 आरोपियों को सरकारी गवाह बना लिया गया था। सीबीआई के विशेष जज प्रभास कुमार सिंह ने लंबे समय से चल रहे इस मामले में बहस पूरी हो जाने के बाद 17 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लालू प्रसाद कोर्ट का फैसला सुनने के लिए अपने लाओ लश्कर के साथ रविवार शाम पटना से फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचे थे। इस मामले में लालू के वकील ने 9 सितंबर को अपनी आखिरी बहस शुरू की थी। बहस के आखिरी दिन 17 सितंबर को भी वकील ने दावा किया था कि बिहार के लालू के खिलाफ इस मामले में प्रोसिक्यूशन की मंजूरी राज्यपाल ने असंवैधानिक ढंग से दी थी और इसके लिए उन्होंने बिहार मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं ली थी। दूसरी ओर सीबीआई ने लालू के इस दावे को खारिज करते हुए दलील दी थी कि बिहार के तत्कालीन राज्यपाल ने इस मामले में प्रोसिक्यूशन को जो मंजूरी दी थी वो सही थी और इसके लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जरूरी नहीं था। आखिरकार तमाम इंतजाम करने के बाद भी लालू यादव खुद को जेल जाने से नहीं रोक सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।